हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज फायर जाकर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी सॉल्यूशन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, देन बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें क्या होता है, जो ये ड्रॉ होता है किस मतलब ग्राफ में ड्रॉ होता है, ये कैसे होता है, देखिए ये होती है हमारी एक वर्टिकल लाइन और एक ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, इनको वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस भी कहते हैं। देखिए ये क्या होती है हमारी वाई एक्सिस और ये क्या होती है हमारी एक्स एक्सिस। ओके, इधर साइड वाली एक्स पॉजिटिव की होती है, इधर साइड वाली एक्स नेगेटिव की होती है। जो नेगेटिव की होती है उसमें हम क्या करते हैं एक्स डैश, इधर वाली साइड वाई पॉजिटिव की होती है, इधर साइड वाई नेगेटिव होती है, तो इधर क्या करते हैं हम वाई डैश। ओके, जैसे नोट करते हैं हम 4, 3, 2, 1 और ये 0, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, इधर नेगेटिव -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4। ओके, ये हमारा बन गई, हम इसमें बनाते हैं ग्राफ में बनाते हैं। अब आपको देखिए ये हमारी हो गई, तो इसमें क्या होता है कि पहले तो x आता है, उसके बाद क्या आता है y आता है। ओके, आपके पास x दे रखा है 2 और y दे रखा है 4, इन दोनों क्या बताए परपेंडिकुलर लाइंस, मींस एक पॉइंट है जो इन दोनों को क्रॉस कर रहा हो। जैसे कि अब हमारे पास वाई एक्सिस क्या है, सॉरी वाई वाई देखिए यहाँ पे क्या है 4, तो हमने 4 ले लिया। ओके, और x x वाली में 2 ये रहा, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, इसको इरेज करके कितना बन जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा ये रहा। इसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं, जो हम ड्रॉ करते हैं क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसका क्या बन जाए 2, 4, ये क्या बन गया यहाँ पे एक वो बन गया जो हमने मीन्स एक्स वाई का जो हमने लिया था 2, 4, तो ये बन गया यहाँ पे। अगर हम लें 4, 1, अब x एक्सिस पे कितना है 4 और y एक्सिस पे कितना है 1, तो 1 को यहाँ पे लेंगे, 4 को हमने यहाँ पे लिया और एक पॉइंट बन गया, तो क्या हो जाएगा हमारा 4, 1। ओके, क्या हो गया 4, 1। अगर दूसरा लें 3, 3, दोनों में क्या है 3, 3 है, x एक्सिस पे भी 3 है, y एक्सिस पे भी क्या है 3 है। तो देखिए x एक्सिस पे 3 कहाँ पे होता है यहाँ पे, और y एक्सिस पे 3 यहाँ पे, तो ये हमने ऊपर लिया, ये यहाँ पे लिया और ये क्या बन गया हमारा 3, 3। ओके, अगर ये ले 0, 3, ओके तो 0 ये रहा और 3 ये रहा। ओके, तो इन पॉइंट को हम ऐसे तो मिलाएंगे नहीं, इसलिए ये वाला पॉइंट ही क्या हो जाएगा हमारा 0, 3। ओके, ये ऐसे बनते हैं। अगर हमारा नेगेटिव हो, -2, -4, ये वाई एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे देखिए 4 यहाँ पे है और वाई सॉरी एक्स एक्सिस पे क्या चाहिए 2, तो 2 कहाँ पे हमारा यहाँ पे, ये आ गया वाई एक्सिस पे माइनस का 4 यहाँ पे, तो ये हमारा यहाँ पे क्या बन गया पॉइंट बन गया -2, -4 का। और याद है -0, -3, तो -0 भी यही माना जाएगा और -3 कौन सा है वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे ये वाला, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 0, -3 माइनस, या फिर आप माइनस लगा सकते हो 0 में, नहीं अगर ये लगाओगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा। ओके, अब इसमें क्या होता है हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, इस समय क्या होते हैं क्वाड्रेंट होते हैं, ओके अगर हमारा फर्स्ट में क्या क्वाड्रेंट होगा, क्वाड्रेंट होता है कि हमारा जो फर्स्ट होता है वो दोनों क्या होते हैं हमारे पॉजिटिव के होते हैं, किसके होते हैं
पॉजिटिव के होते हैं। ओके